दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आप क्या भरोसा करते हैं अपनी किस्मत पे, यानी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको एक हार्डवर्क की जरूरत होती है, या आप अपनी नॉलेज पे भरोसा करते हैं, या फिर आप ये मानते हैं कि किस्मत ही बहुत जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि लोगों ने बहुत सारी किस्मत के बारे में भी बात की है, लोगों ने बहुत सारे हार्डवर्क के बारे में बात की है, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो से भरा पड़ा है यूट्यूब, यानी कहीं पे भी आप जाके मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे तो आपको बेइंतहा वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन हम आज आपको कुछ रियल फैक्ट के बारे में बताएंगे, शायद वो अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा। हम आपको दोनों का कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे कि एक्चुअल में किस्मत क्या होती है और हार्डवर्क क्या होता है। जी हाँ, अगर किस्मत और हार्डवर्क का मेल कर दिया जाए तो आपको सक्सेस मिल सकती है। जी हाँ, अगर हम हाथ की बात करें तो जी हाँ, इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की है जिसमें पढ़ा है कि जी हाँ, ये पामिस्ट्री यानी जो होती है इसको भी एक एनालिसिस है और ये कि साइंस है। अब इस पे भी लोग भरोसा करते हैं, यानी इसको कुछ लोगों ने गलत तरीके से यूज़ किया, या कह सकते हैं कि लोगों ने जो है इस पे भरोसा आंख बंद करके भरोसा करने के लिए बात कही कि जो आपकी किस्मत में लिखा है, जो आपके भाग्य में लिखा है, वही होके रहेगा। जी हाँ, लेकिन ऐसा कुछ हद तक सच हो सकता है, लेकिन मैं 90% कह रहा हूँ कि 90% ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत आपका भाग्य नहीं तय करती, आपकी किस्मत आपको मौके देती है। जी हाँ, जो अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में मिलती है वही आपका मौका होता है, और उस मौका ही आपकी किस्मत होती है। अब किस्मत को आप भाग्य में कैसे बदल सकते हैं, वो आप अपनी हार्डवर्क के द्वारा, यानी कि उस मौके को आपने उस समय कैश कर लिया, उस मौके को यूज़ कर लिया अपने हार्डवर्क से, और वो हार्डवर्क आप अपनी जो है आप उसको भाग्य बता सकते हैं, यानी वही आपका भाग्य होता है। ये सिर्फ आपको मौका देती है, और वही स्किल यानी कि आपने भाग्य को बनाने में यानी हार्डवर्क के साथ साथ जो स्किल यूज की वही आपकी स्किल हो जाती है। जी हाँ, तो लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे पुराने जो एग्जाम्पल से भरे पड़े हैं लोग, कि एक रिक्शा जो चलाता है मजदूर बेचारा, कि वो दिन भर मेहनत करता है और शाम को उसको सिर्फ 100-200 रुपए मिलते हैं, लोग उसको बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क करिए, या कुछ लोग उसको बोलते हैं उसका भाग्य खराब है, या कुछ लोग उसको बोलते हैं उसके पास कोई नॉलेज या कोई डिग्री नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों होने के बाद भी अगर वो रिक्शा चला रहा है तो क्या मतलब, ये ऐसे एग्जाम्पल नहीं, अब मैं फैक्ट के साथ बताता हूँ, ठीक है, वो क्यों रिक्शा चला रहा है, ये क्यों नहीं चला रहा है, क्योंकि हर एक किसी का अपना काम है जीवन में जीवन यापन करने के लिए। हो सकता है उसकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिली हो और उस अपॉर्चुनिटी को वो कैश ना कर पाया है, तो वो भाग्य जो है उसका खराब हो जाता है। जी हाँ, यही भाग्य और नॉलेज का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, अगर आप भरोसा करें तो अपने भाग्य के ऊपर, तो वो भाग्य ही आपका खराब नहीं हो सकता। इसलिए जब तक कि आप उस चीज को आप अपने एनालिसिस यानी आप उस मौके को कैश नहीं कर लेंगे। लाइफ में सभी के साथ अपॉर्चुनिटी आती रहती हैं, और वो अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उनको कहाँ पे यूज़ करना है वही उसका भाग्य होता है। और बात करें नॉलेज की, तो नॉलेज यानी आपको अपने ज्ञान से, अपने तप से, अपने परिश्रम से लेना चाहिए, और उसमें अगर हमें फिर एनालिसिस यानी हाथ पे एनालिसिस यानी किस्मत के बारे में बात करता हूँ, तो किस्मत जो यही होती है कि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ पे क्या आपकी रुकावट आ सकती है, कभी कब कुछ हो सकता है, तो वो भी एक एनालिसिस है। यानी आप उस पर भी एनालिसिस करके आप अपने आप को जो है जो खराबियां हैं, यानी कि जो कह सकते हैं कि जो मतलब दुष्परिणाम आने वाले हैं आपकी लाइफ में, यानी आप उनका भी उपाय कर सकते हैं, कह सकते हैं मतलब आप अलर्ट हो सकते हैं वो अपने दिमाग के द्वारा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जो है पूरी तरीके से धार्मिक हो जाएं, या उसको जो है उसी तांत्रिक या किसी के पास जा करके आप अपना ठग जो है पैसे दे दे या वो करें, नहीं ऐसा नहीं है। अब उसमें तो मूर्खता है आपकी, आप जो है अपनी मेहनत से, अपने लॉजिक से, यानी कि आप जो आपका दिमाग है उस दिमाग की बदौलत जो है आप अपने स्किल को, आप स्किल का काम यहाँ पे आया कि आप स्किल को यूज करना है और अपने आप को अलर्ट करना है कि कैसे जो है आप इस चीज से बच सकते हैं। तो यही सब बातें थी जो है मैंने किस्मत और लक और हार्डवर्क को कॉम्बिनेशन करके बताई। जी हाँ दोस्तों, और एक सबसे बड़ा मैं एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर के बारे में। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर का करियर स्टार्ट हुआ था 1989 के आसपास करीब, या 90 के आसपास, और महेंद्र सिंह धोनी का करियर स्टार्ट हुआ सन 2005 या 4 के आसपास। अगर दोनों की पॉपुलरिटी की बात करी जाए तो दोनों को काफ़ी नेम फेम मिला, लेकिन अगर धोनी की बात करें तो धोनी ने काफ़ी ज़्यादा
पैसे भी कमाए, पॉपुलरिटी भी कमाई, नेम फेम भी कमाया, जो कि सचिन ने शायद वो चीज़ें इतनी देरी से पाई, वो सचिन को भी वही चीज़ें मिली। तो एक्चुअल में सचिन ने काफ़ी हार्डवर्क किया और धोनी ने भी मेहनत की। तो यहाँ पे अगर मैं मेहनत और किस्मत की बात करूँ तो कुछ लोग धोनी को लकी मानते हैं, जो कि ये सही भी है। और मैं ये यहाँ पे अब किस्मत सही होती है, यानी किस्मत को नकारने वाले लोग यहाँ पे गलत होते हैं। लेकिन अगर ये आपके ऊपर है या आपकी अपना सोच है कि आप कैसे बता सकते हैं कि वो लकी है या नहीं है, तो बहुत सारी किस्मत के ऊपर बहुत सारे लेक्चर हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो आप ऐसे बताइएगा हमें, आप कमेंट करके कि आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं या पसंद करना चाहते हैं, तो हम आपको और भी इस तरह के वीडियो बनाते रहेंगे, फ्यूचर में आपको मोटिवेट करते रहेंगे। ये एक मेरी तरीके से मोटिवेट